दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला बेहद ही रोमांचक तरीके से देखने को मिला। इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से गदर मचाते हुए ऑस्ट्रेलियाई खेमे में लगा दी आग और दिलाई भारत को जीत। तो वहीं अंतिम ओवर में रोमांचक तरीके से भारत को हार्दिक पांड्या ने अपने आत्मविश्वास के दम पर दिलाई जीत। बताएंगे सीरीज के रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट, तो जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद के स्टेडियम पर खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ। वहीं भारतीय टीम में मात्र एक बदलाव मिला और जिसमें ऋषभ पंत को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और भुवनेश्वर कुमार को दोबारा से बुलाया गया। इसके बाद आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी एक बदलाव किया, परंतु जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो पारी की शुरुआत ग्रीन और एरॉन फिंच ने करी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने तहलका मचा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को चौथे ओवर में 44 के स्कोर पर पहला झटका लगा, जहां अक्षर पटेल ने कप्तान एरॉन फिंच को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवा दिया और फिंच 6 गेंदों में 7 रन बना सके। हालांकि दूसरे छोर से कैमरॉन ग्रीन चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे और 19 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्हें 21 गेंदों पर 248 के स्ट्राइक रेट के साथ 52 रन की पारी खेलने के बाद केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आए। लेकिन स्टीव स्मिथ भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जबकि उनको एक जीवनदान मात्र 6 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने दिया। तो दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने मैक्सवेल को 11 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद रन आउट कर दिया। हालांकि ये रन आउट काफी ज्यादा विवादित हुआ, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने स्टंप गेंद हासिल करने से पहले ही उड़ा दिए थे, परंतु मैक्सवेल को आउट किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ ने 9 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाने के बाद अक्षर पटेल की फिरकी में फंसते हुए दिनेश कार्तिक के हाथों में कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने इंग्लिश और डेविड आएंगे। अब आपको बता दें कि इंग्लिश 14वें ओवर में अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर 22 गेंदों पर 24 रन की पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा के हाथों आउट हो गए। तो वहीं पिछले दो मुकाबलों के शहंशाह मैथ्यू वेड ने 3 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने डेनियल सैम्स आए, तो वहीं पर टिम डेविड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया और अंतिम ओवर में 25 गेंदों के अंदर अपना पहला T20 अर्धशतक लगा दिया। तो वहीं डेविड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 27 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 54 रन की 200 के स्ट्राइक रेट से पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा के हाथों हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। और इसी के साथ ही 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 186 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां डेनियल सैम्स ने 20 गेंदों पर 28 रन की नाबाद पारी खेली। जहां भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं पर हर्षल पटेल, यजुवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार ने एक एक विकेट हासिल किया। और इसी के साथ ही 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 186 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत तो करी, लेकिन केएल राहुल पहले ही ओवर में डेनियल की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस बीच केएल राहुल ने मात्र 4 गेंदों पर 1 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। लेकिन चौथे ओवर में जोश हेजलवुड ने रोहित शर्मा को 14 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 121 के स्ट्राइक रेट के साथ 17 रन बनाने के बाद डेनियल के हाथों आउट करवा दिया। और अब बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए और अब सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने शानदार साझेदारी करते हुए 104 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी कर डाली, जहां पर 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं भारत को 14वें ओवर में 134 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा, जहां सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें जोश हेजलवुड ने फिंच के हाथों कैच करवाया और अपनी पारी में सूर्य कुमार ने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। तो
तो वहीं सूर्य कुमार ने कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 104 रन की साझेदारी निभाई। अब बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए और इसके अलावा 16वें ओवर में विराट कोहली ने 35 गेंदों पर अपना 33वां अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अब जीत के लिए केवल 4 ओवर में 39 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार गेंदबाजी करी और मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। जहां अंतिम ओवर में जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता पड़ी तो गेंदबाजी करने के लिए डेनियल सैम्स को बुलाया गया, जिनमें उनका सामना विराट कोहली से हुआ, जहां पर विराट कोहली ने छक्के के साथ उनका स्वागत किया, जिसके बाद अगली ही गेंद पर विराट कोहली 48 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 132 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 रन बनाने के बाद एरॉन फिंच के हाथों कैच आउट हो गए। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक आए, लेकिन दिनेश कार्तिक ने सिंगल ले लिया, परंतु अभी भी 3 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया और बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को एक खाली गेंद डाल दी गई। वहीं अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने इशारा करते हुए जीत का आश्वासन दिया और दिनेश कार्तिक खुश हो गए, और हार्दिक पांड्या ने अगली ही गेंद पर स्लीप और विकेट कीपर के बीच से बहुत ही सही गेंद को दिशा देते हुए चौका लगाकर एक गेंद पहले ही 6 विकेट से जीत दिला दी। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 157 के स्ट्राइक रेट से जीत दिला दी और साथ में साथ ही 25 रन की नाबाद पारी खेली। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच बने, तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल बने और सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, इस सीरीज की जीत का हीरो कौन रहा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।